हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री फास्ट ट्रैक विथ एग्रीवाला। दोस्तों, आपको बता दें जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कृषि पर्यवेक्षक 2021 की जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसका जो है एग्ज़ाम 18 सितंबर को लगा है। ये मान लो कि अभी से लगभग एक महीना बचा है। तो दोस्तों, ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए हम 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड रहता है। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात आप लोगों के लिए कि आप लोग वीडियो को देखने से पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि जैसे जैसे ही हम क्वेश्चन का आंसर बताएं, उससे पहले आप वीडियो को भले ही वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर अपनी कॉपी पर करिए, तब आगे बढ़िए। इससे क्या होगा कि आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, इससे क्या होगा कि आप लोग अपने तैयारी का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी जो है किस लेवल की है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें, इससे पहले एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी इसी प्रकार अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 है, 2 आवर का टाइम दिया गया है और 300 इसका पूर्णांक रखा गया है, 300 मार्क्स का ये पेपर है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिच फ्रूट इन इंडिया, इंडिया में जो होता है सबसे ज़्यादा किस फल का जो होता है उत्पादन होता है, तो इसमें आता है बी ऑप्शन है बनाना। ग्लैडियोलस फ्लावर कॉल्ड एज ग्लैडियोलस फूल को क्या कहा जाता है, तो इसमें आता है स्पाइक आंसर होगा। आगे देखते हैं, फिच फ्रूट इज नोन एज पुअर मैन ऑरेंज, गरीब का संतरा किसे कहा जाता है, तो गरीब का संतरा कहा जाता है टोमेटो को। इसके बाद में हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, तो हेड जो है फूल गोभी, ये ऑप्शन सही है, फूल गोभी का आर्थिक भाग है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, फिच मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज विंटर चेरी अश्वगंधा, ये ऑप्शन इज राइट। इन कुकरबिट्स फॉर चेंजिंग द सेक्स फॉर्म ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्प्रेड एट, तो क्या होगा, 2 to 4 leaf stage, 2 to 4 leaf stage यानी 2 से 4 जब इसकी लीफ निकल आती हैं कुकरबिट्स जो होती हैं क्रॉप्स उनमें, तब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं इनका स्प्रे किया जाता है। इस्प्रे दोस्तों किस लिए किया जाता है, तो इस्प्रे जो करते हैं जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फीमेल फ्लावर जो होते हैं पौधे पर उत्पन्न हो, इससे क्या होगा कि अधिक मात्रा में जो है फ्रूट्स मिलेंगे, अधिक मात्रा में जो वेजिटेबल्स मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, विच क्रॉप इज रिलेटेड टू दुर्गापुर मधु वैरायटी, अच्छा दुर्गापुर मधु ऐसे भी बोल सकते हैं कि दुर्गापुर मधु इज अ वैरायटी ऑफ फिश क्रॉप, तो आता है इसमें मस्कमेलन। मस्कमेलन क्या आंसर होगा, आंसर होगा मस्कमेलन, पी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों, दुर्गापुर मधु जो है मस्कमेलन की वैरायटी है और दुर्गापुर मीठा ये किसकी है, तो दुर्गापुर मीठा है वाटरमेलन की, किसकी है वाटरमेलन, दुर्गापुर मीठा एंड दुर्गापुर केसर किसकी वैरायटी है, ये भी वाटरमेलन की वैरायटी है। दुर्गापुर मीठा और दुर्गापुर मेलन, ये दुर्गापुर केसर दोनों किसकी वैरायटी हैं, तो वाटरमेलन की वैरायटीज हैं। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज अडॉप्टेड बाई फार्मर्स टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन ग्रेप, ग्रेप में जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है प्राप्त करने के लिए किस जो होता है ट्रेनिंग जो मेथड होते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग किस मेथड ऑफ ट्रेनिंग का जो होता है यूज किया जाता है, पांडाल मेथड होता है। आगे देखते हैं, मैक्सिमम किन्नो प्रोडक्शन जो होता है इन राजस्थान बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट, तो मैक्सिमम किन्नो प्रोडक्शन जो होता है राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इसमें आता है आंसर गंगानगर एंड हनुमानगढ़, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, प्रोपागेशन ऑफ डेट पाम इज बाई, जो होता है डेट पाम खजूर में जो होता है प्रवर्धन
किसके द्वारा किया जाता है? तो खजूर में जो होता है प्रवर्धन होता है आप शूट सकर्ष होते हैं। केवल आप शूट भी बोल सकते हो या आप शूट सकर्ष भी कह सकते हो। तो आप शूट द्वारा प्रोपगेशन होता है डेट पाम में, और सकर्ष के द्वारा किस में होता है? जो सकर्ष है, सकर्ष के द्वारा किस में होता है? ये होता है तुम्हारा बनाना। किस में? बनाना में सकर्ष के द्वारा होता है। फिर उसके बाद में सीड द्वारा किस में होता है? सीड द्वारा होता है आपका पपाया। किस में होता है? पपाया में होता है। और चलिए आगे देखते हैं दोस्त। फिट बहारा पोम ग्रेनेट इज मोस्ट सूटेबल अंडर राजस्थान कंडीशन। जो राजस्थान कंडीशन होती है उसमें कौन सी बहार सबसे अधिक जो होती है उपयुक्त है या सबसे अधिक सूटेबल मानी जाती है? तो उसमें आता है दोस्तों मृग बहार। ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बोटेनिकल नेम ऑफ अफ्रीकन मेरीगोल्ड। जो अफ्रीकन मेरीगोल्ड होता है इसका बोटेनिकल नेम बताना है। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? टगेटस इरेक्टा। टगेटस इरेक्टा होता है। किसका बोटेनिकल नेम है? यह है आपका अफ्रीकन मेरीगोल्ड। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, आपको कैसे याद रखोगे कि टगेटस इरेक्टा जो है अफ्रीकन मेरीगोल्ड का है या फ्रेंच मेरीगोल्ड का है? तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। टी 24 घंटे में कितनी बार पीते हैं? दो बार पीते हैं। ठीक, कैसे याद रखना है? अब टी से क्या हो गया? टगेटस इरेक्टा किसका है? अफ्रीकन मेरीगोल्ड। इसमें क्या होता है, टू ए नंबर कितने होते हैं? 24 टू ए नंबर होते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ है कि 24 घंटे में दो बार पीते हैं? तो ये दो का मतलब हो गया ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड 2x जो होता है 2x, ठीक है। टी टगेटस इरेक्टा, टगेटस टी से हो गया टगेटस, ई से हो गया इरेक्टा, और ए से क्या हो गया? अफ्रीकन मेरीगोल्ड। और ये 24 का मतलब क्या हुआ? ये 24 जो होते हैं क्रोमोजोम नंबर होते हैं। और ये दो से क्या हो गया? ये डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड है यानी 2x है। दोस्तों इससे क्या होगा, आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखना, इससे कभी भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, चाहे क्रोमोजोम नंबर से आ जाए या इसकी प्लॉयडी लेवल पूछ ले या इसका साइंटिफिक नेम पूछ ले, कभी गलत नहीं होगा। जब एक आपको याद है तो दूसरा कभी कन्फ्यूजन नहीं करेगा, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर हो गया टगेटस इरेक्टा, अफ्रीकन मेरीगोल्ड। दोस्तों इसके ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? मैक्सिको होता है। क्या होता है? मैक्सिको, ठीक है दोस्तों। अफ्रीकन मेरीगोल्ड जो है इसका ओरिजिन प्लेस मैक्सिको होता है, ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना सोचना कि अफ्रीकन है तो ये इसका जन्म स्थान अफ्रीका लगा दें, ऐसा कभी मत करना। इसका अफ्रीकन मेरीगोल्ड जो है इसका बताया है ओरिजिन प्लेस मैक्सिको है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। फिट मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज कॉल्ड एज इंटेंसिव गार्डनिंग। इंटेंसिव गार्डनिंग किसे कहा जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? सघन बागवानी की बात करें तो किचन गार्डन होता है, ये इंटेंसिव गार्डनिंग है। इंटेंसिव सघन गार्डनिंग क्या है? सघन बागवानी कौन होगा? किचन गार्डन, ठीक है। अब जैसे किचन घरों में क्या होता है कि छोटी सी क्यारियाँ होती हैं, उनमें कई टाइप की जो होते हैं सब्जियाँ लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देंगे कहीं कुछ लगा देंगे, सभी उतने ही एरिए में बहुत सारा मतलब सघन बागवानी की जाती है, इसलिए किचन गार्डनिंग वो क्या होगा? इंटेंसिव सघन बागवानी। आगे देखते हैं दोस्तों। एक और बात बता दें दोस्तों आपको, यहाँ पे जो इंटेंसिव गार्डनिंग होता है किचन गार्डन होता है, और एक्सटेंसिव की बात करें तो एक्सटेंसिव गार्डनिंग जो होता है, एक्सटेंसिव गार्डनिंग तो इसमें क्या होता है, तब होता है ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग आ जाएगा तब, ठीक है दोस्त। इस बात को याद रखना, इंटेंसिव क्या होगा? इंटेंसिव होगा आपका किचन गार्डन, और अगर एक्सटेंसिव पूछ ले एक्सटेंसिव गार्डनिंग तो ट्रक गार्डनिंग हो जाएगा, ट्रक गार्डनिंग, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पाउडरी मिल्ड्यू इज ए मेजर डिजीज ऑफ फिच फ्रूट क्रॉप। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है मेजर डिजीज ऑफ फिच फ्रूट क्रॉप। किस फ्रूट क्रॉप का जो होता है पाउडरी मिल्ड्यू मेजर डिजीज है?
पाउडर मिल्यू जो है किस फसल का होता है मुख्य रोग है, तो इसमें आता है आपका आला बीज, मैंगो का भी है, बेर का भी है, ग्रेप, तीनों का यानी आला बीज जो था इसका आंसर राइट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, आला बीज। इसके बाद आता है सिंदूरी इज ए वैरायटी ऑफ, जो सिंदूरी किसकी वैरायटी है, तो सिंदूरी इज ए वैरायटी ऑफ पोम ग्रेनेट, किसकी है सिंदूरी इज ए वैरायटी ऑफ पोम ग्रेनेट, पोम ग्रेनेट इसका आंसर राइट होगा। आगे देखते हैं, विच स्टेट दोस्तों सिंदूरी इज, क्वेश्चन नंबर 15, सिंदूरी इज ए वैरायटी ऑफ, सिंदूरी किसकी वैरायटी है, सिंदूरी पोम ग्रेनेट की वैरायटी है, और सिंधु, अगर सिंधु की बात करें सिंधु किसकी वैरायटी है, तो सिंधु आता है आपका मैंगो एंड कोरिएंडर होता है धनिया, मैंगो आम, तो सिंधु किसके, सिंदूरी पोमग्रेनेट की वैरायटी है और सिंधु मैंगो एंड कोरिएंडर दोनों की वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच स्टेट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट मैंगो, कौन सा स्टेट जो मैंगो का हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, तो इसमें आता है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है मैंगो के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है। आगे देखते हैं, इन रोज ग्रोइंग एरियाज जो है रोज ग्रोइंग एरिया, जहाँ रोज को उगाया जाता है वहाँ पर रोज का प्रूनिंग टाइम यानी छटाई का समय क्या होता है, तो छटाई का समय जो प्रूनिंग टाइम होता है, छटाई का समय अक्टूबर नवंबर होता है, अक्टूबर नवंबर। आगे देखते हैं, फिच फ्रूट इज सूटेबल फॉर जैम मेकिंग, कौन सा फ्रूट जो है जैम मेकिंग यानी जैम बनाने के लिए कौन सा फ्रूट जो होता है उपयुक्त रहता है, तो इसमें सभी फ्रूट हैं, बनाना, पाइनएप्पल, गुआवा, केवल स्वीट ऑरेंज को छोड़ के, स्वीट ऑरेंज को छोड़ करके सभी फ्रूट जो होते हैं जैम मेकिंग, जैम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाइनएप्पल आंसर राइट है, मोस्टली पाइनएप्पल यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, और एक बात और बता दें, यहाँ पे जो अमरूद है, अमरूद जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस ग्रुप के जितने जो भी हैं, करौंदा हो गया, गुआवा हो गया, और स्वीट ऑरेंज हो गए ये, और जो भी खट्टे फल होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, जैली, खट्टे फल जितने भी होते हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो ये जैली के लिए यूज किए जाते हैं, याद रखना दोस्तों। और अगर पूछ दे कि सबसे जो जैली बनाते हैं वो उसके लिए यानी फ्रूट्स में क्या होना ज़रूरी है, तो उसके लिए पेक्टिन कंटेंट पाया है, पेक्टिन जो फ्रूट में होना बहुत आवश्यक है जैली बनाने के लिए। ठीक है दोस्त, अगर ये पूछ दे कि सबसे ज़्यादा पेक्टिन कंटेंट किस में पाया जाता है, किस फ्रूट में पाया जाता है, तो आता है वुड एप्पल, कौन सा होगा, वुड एप्पल, यानी कैथा आप जानते हो, कैंथ जिसे बोलते हैं, कैथा, उसे ही वुड एप्पल बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पेक्टिन कंटेंट पाया जाता है, ये जैली के लिए बहुत सूटेबल होता है। और सबसे अच्छी जैली पूछे कि किसकी बनती है, तो अमरूद फिर आता है, सबसे अच्छी जेली अमरूद की बनती है। ठीक है दोस्त, और जैम जो होता है इसके लिए जितने भी गूदेदार फल होते हैं जिनमें पल्प जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है गूदा, तो वो जैम के लिए होता है सूटेबल होते हैं, जैम बनाने के लिए गूदेदार फलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, फिच फ्रूट हैव हाईएस्ट इन विटामिन सी, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे होगा बारबडा चेरी, वैसे सभी में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट इन विटामिन सी, तो आ जाएगा आपका बारबडा चेरी, और इसके बाद आएगा आपका आंवला, फिर उसके बाद ये अदर फ्रूट जो होंगे वो होंगे। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं,
विच मैंगो वेराइटी इज ड्वार्फ इन नेचर, बौनी किस्म कौन सी है मैंगो की, बौनी किस्म, तो मैंगो की बौनी किस्म है आम्रपाली, आम्रपाली आंसर इज राइट, आंसर डी, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है दोस्त आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अंतर्निहित जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अंतः प्लस निहित, ए ऑप्शन इज राइट, अंतः प्लस निहित बराबर अंतर्निहित। ठीक है दोस्त आगे देखते हैं दैत्य अरि, दैत्य प्लस अरि का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का सही संधि क्या होगा, सही संधि शब्द क्या होगा, तो दैत्य, दैत्य प्लस अरि दिया है तो दैत्य या, यानी यहाँ पे आ रहा है आ और फिर उसके बाद में प्लस फिर आ रहा है अरि, अरि में क्या आ रहा है आ, बराबर क्या हो गया ये बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ बनेगा तो यानी आ हो गया, तो अब क्या हो जाएगा ये दैत्य, यहाँ पे जो बड़ा आ बन गया तो हो जाएगा दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारि, बड़ा का डंडा यहाँ पे लग जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्त आगे देखते हैं संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो संतोष शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सम, सम होगा, कैसे देखते हैं सम प्लस तोष, इसका संधि विच्छेद जब करोगे इसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा सम प्लस तोष बराबर संतोष। ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन बी इज राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करें। आगे देखते हैं दोस्त वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, किंतु प्रथम द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, प्रथम पद जो होता है यानी जिसका उत्तर पद क्या होता है प्रधान, जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा और प्रथम पद जो होगा वो द्वितीय जो पद होगा उसकी विशेषता बताएगा, तो इसमें आंसर नंबर सी सही होगा, तो इसका आंसर नंबर सी कर्मधारय समास सही होगा, कर्मधारय समास होता है इसमें उत्तर पद प्रधान और प्रथम पद जो होता है हमेशा द्वितीय पद की विशेषता बताता है। ठीक है दोस्त आगे देखते हैं पशु पांशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म पूछ रहा है, तो इसका सही पशु जो होता है पशु, इसमें दोस्तों आप दो को तो बिल्कुल कट कर दोगे, देख के ही बता दोगे कि पशु का मतलब क्या होता है जानवर होता है, तो इनमें तो जानवर कहीं है नहीं, तो इन दोनों को तो आप वैसे भी बिल्कुल ही बाहर कर दो, बचे कौन दो बचे, इनमें जानवर जानवर हो गया, जानवर दोनों में दिया है, अब पांशु, पांशु किसे कहा जाता है, तो पांशु कहा जाता है पर रेत को, और पण, पण किसे कहते हैं मूल्य को, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 27 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्त आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची है, तो सागर का पर्यायवाची नहीं है, दोस्तों एक बात ध्यान रखना जब पेपर देने जाना तो हमेशा प्रश्न में नहीं का ध्यान रखना, क्योंकि अधिकांशतः स्टूडेंट को नहीं जल्दबाजी में नहीं छोड़ देते हैं, इंग्लिश में पेपर होगा तो नॉट लिखा होगा बड़ा बड़ा और हिंदी में होगा तो नहीं, और लोग क्या करते हैं इन्हीं को छोड़ देते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ जाएंगे ये भूल जाएंगे और आंसर गलत करके आ जाते हैं, तो दोस्तों बड़ी सावधानी से पेपर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो सागर का पर्यायवाची निर्जर जो है ये सागर का पर्यायवाची नहीं है, अब अम्बुध ये भी है, वारिस ये भी है, रत्नाकर जिसमें रत्न पड़े रहते हैं हीरा मोती वगैरह, तो कहाँ होते हैं समुद्र में, क्या मिलता है मोती वगैरह नहीं मिलते हैं, तो रत्नाकर याद रखना कि रत्न कहाँ होते हैं तो समुद्र में होते हैं, तो ये भी हो गया इसका पर्यायवाची, अब निर्जर जो होता है ये पर्यायवाची इसका नहीं होगा। ठीक है दोस्त आगे देखते हैं
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनें। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, यानी संपन्न व्यक्ति आसन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, या संपन्न व्यक्ति निष्पन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, या संपन्न व्यक्ति विषण व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति जो होता है विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, तो इसका आंसर जो होता है डी सही है, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास, उच्छ्वास तो बिल्कुल गलत लिखा है। छत्र छाया ये भी गलत लिखा है। महात्मा गढ़ ये भी गलत लिखा है। कैसे गलत लिखा है देखिए, उच्छ्वास उच्छ्वास यहाँ पे इसमें हलंत लगेगा, वो लगा नहीं है, ये गलत हो गया। छत्र छाया क्या कह रहा है, शब्द युग्म शुद्ध, शुद्ध के लिए बोल रहा है, शुद्ध शब्द युग्म आपको ढूंढना है, तो छत्र छाया इसमें भी लगेगा, छत्र प्लस छाया होगा इसका वो, अगर संदिग्ध करोगे छत्र छाया इसका ऐसे सही होगा। महात्मा गढ़, महात्मा गढ़ यहाँ हलंत लगेगा जो कि लगा नहीं है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। बचा क्या, निहारिका, यही निहारिका ही सही है, ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद देखते हैं आगे, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? परसर्ग संबंधी, क्रिया संबंधी, या सर्वनाम संबंधी, या प्रत्यय संबंधी? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आता है सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सब लोगों यानी सब जन, जन जैसे नहीं कहते हैं, कहते हैं सब लोग या सब जन, ठीक है, तो जन, जन माने क्या होता है, लोग होता है, सब जन माने क्या होता है, लोग होता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि सब जन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, तो सब जन यानी सार्वजनिक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में आता है 33, डेपुटेशन शब्द के लिए, डेपुटेशन जो शब्द है इसके लिए उचित पारिभाषिक शब्द है, इंग्लिश में आपको वर्ड दे देगा और इससे पूछ देगा कि इसके लिए शुद्ध या उचित पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो डेपुटेशन मीन क्या होता है, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए वाक्यांश में सही मुहावरा का प्रयोग लाया गया है। देखते हैं पढ़ के, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है क्योंकि आसान काम नहीं है, प्रताप ने ज्यों लगाम लगाई चेतक हवा में पते करने लगा, नंबर 3, वह तो मेरी मुट्ठी में है उससे तो जो चाहें काम करवा दूं, भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है। तो दोस्तों आप समझते हैं, भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है, यहाँ क्या करें, बहुत ही कठिन कार्य करना। अब जब इसमें तो सीधा सीधा बता रहा है कि भारतीय जवानों से जो है लोहा लेना सरल काम नहीं है, सरल काम नहीं है तो कठिन काम है, कठिन काम है तो ये तो ऑटोमेटिक हमें पता है कि सरल नहीं है। फिर आता है वह तो मेरी मुट्ठी में है, फिर क्या है, वह तो मेरी मुट्ठी में है उससे तो जो चाहे काम करवा दूँ, तो वह मेरी मुट्ठी में है इससे जो चाहे काम करवा दूँ, ये कोई कठिन काम तो हुआ नहीं कि वह मेरी मुट्ठी में, तो बहुत कठिन काम हो गया ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फिर प्रताप ने ज्यों लगाम लगाई चेतक हवा से बातें करने लगा, तो चेतक जैसे ही प्रताप ने लगाम लगाई तो चेतक हवा से बातें करने लगा, ऐसा भी मतलब कोई कठिन काम नहीं लग रहा है संस्कृत पढ़ने। फिर आता है संस्कृत पढ़ना जैसे लोहे चने चबाना, जैसे नहीं कहते कि उसने ऐसा काम कर दिया, उसने समझो ये लोहे के चने चबा लिए, तो लोहे के चने चबाना, लोहे के चने कोई चबा पाएगा, इतना लोहा जो है, सोच के देखो लोहे के जो चने होंगे अगर कोई फोड़ पाएगा मुझसे, कोई खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, तो यही होगा आंसर इसका सही है, संस्कृत पढ़ना जैसे लोहे के चने जमाना है कोई आसान काम नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, बैल का बैल गया नौ हाथ का पगा भी गया, ये लोकोक्ति आ गई अब, तो लोकोक्ति बैल का बैल गया जैसी करनी वैसी बनी, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि बैल का बैल गया, यानी जब बैल भी, यानी कहने का मतलब है बैल भी चला जाए और नौ हाथ का जो पगा था वो भी चला गया, तो जैसी करनी वैसी बनी में यानी तुम जैसा करो वैसा तुम्हें फल मिले तब तो होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर आता है ज़बरदस्ती आगे बढ़ना, अगर ज़बरदस्ती आप आगे बढ़ रहे हो तो इसमें आपका कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है,
फिर आता है बहुत बड़ा घाटा होना, फिर आता है मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता। मूर्ख जो होता है गुण की कद्र करना नहीं जानता, ठीक है। तो इसमें हमारा कहाँ पे घाटा हो रहा है, इसमें तो कुछ जा नहीं रहा हमारे पास से। गुण की कद्र करेगा नहीं करेगा तो इसमें कुछ हमारा जाएगा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा घाटा होना। यानी बैल तो गया ही है, साथ में नौ हाथ का पगा भी चला गया, तो इसमें क्या हुआ, हमें घाटा ही हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सलाइन सवाल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, तो सलाइन सवाल जो होती हैं इनको किसके द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो देखो पैराइट किसके लिए यूज होता है, जो क्षारी भूमियाँ होती हैं उनके लिए पैराइट यूज किया जाता है। जिप्सम और पैराइट किसके लिए यूज किया जाता है, ऊसर और क्षारी भूमियाँ। पैराइट होता है ऊसर भूमि के लिए और जिप्सम होता है क्षारी भूमि के लिए, ठीक। तो लगभग में ऊसर और क्षारी एक ही प्रकार की भूमि होती हैं। लाइम एप्लीकेशन किसके लिए किया जाता है, चूने का एप्लीकेशन जो होता है किया जाता है तुम्हारा अम्लीय जो भूमियाँ होती हैं अम्लीय भूमियों के लिए। ये किसके लिए किया जाता है, ये ऊसर और क्षारी भूमियाँ जो होती हैं, ऊसर और क्षारी जो भूमियाँ होती हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए किया जाता है जिप्सम और पैराइट का यूज। लाइम का एप्लीकेशन किया जाता है अम्लीय भूमि के लिए। तो बचा है क्या, लीचिंग मेथड में क्या होता है कि खेत में जो होता है, ये जैसे क्यारी है या खेत है मान लो, ठीक। अब इनमें पानी भर दिया, इनमें ऊपर साल्ट, यहाँ पे इसकी ऊपरी जो परत है यहाँ पे नमक या जो होता है सलाइन साल्ट ही होता है, सलाइन का मतलब। तो साल्ट जो होता है वो इसकी ऊपरी परत पे रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो इसके कई मेथड होते हैं, एक तो खुरचवा देते हैं ऊपरी जो परत होती है उसे हटवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि साल्ट कम हो जाते हैं। लेकिन ये कोई बहुत ही अच्छी जो होती है वो नहीं है, इसमें जो होता है क्या होता है कि जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लीचिंग क्या होता है कि इसके ऊपर जो साल्ट है, अब इसमें पानी भर दिया, इससे क्या होगा निछालन की क्रिया जो होती है, इसमें नीचे की ओर पानी रिस कर जाते रहता है, ऐसे जो होता है भूमि के अंदर नीचे जो परत होती है उनमें जाता रहता है, इसी का साल्ट नीचे चला जाता है और ये जो होती है खेत धीरे धीरे ये भूमि खेती करने के योग्य हो जाती है। तो इस क्रिया को लीचिंग कहते हैं। ये जो होता है सलाइन सॉइल में जो होता है सुधार के लिए किसका यूज करते हैं, तो लीचिंग का यूज करते हैं। ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो होता है इसका मीनिंग कह रहा है। तो यहाँ पे आंसर तो इसका है लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 30 चेंजेज इन वेदर पैरामीटर्स। ठीक है दोस्त, डी ऑप्शन इज राइट। लेकिन कैसे याद कैसे रखना है आपको, क्लाइमेट जो है इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है जलवायु बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं का सार है। यानी बहुत दिनों की यानी लंबे समय की जो घटनाएं होती हैं उनका सार होती है जलवायु। तो इससे क्या याद रखना है, जलवायु बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं का सार है, यानी लॉन्ग टर्म लंबे समय से जो है घटनाएं जो हो रही हैं उनका सार होती है जलवायु। तो लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 30 चेंजेस इन वेदर पैरामीटर्स। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 38। द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले इज, जो तक क्ले होता है इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, तो लेस देन 0.002 mm, 0.002 mm से कम। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज, तो इस जो है अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार में, यानी अमोनियम सल्फेट जो है इसकी जो है तुल्यांकी भार जो है कितना होता है, तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 110 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सुइटेबल फॉर एसिडिक सॉइल, कौन सा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो होता है किसके लिए सुइटेबल है, तो अम्लीय जो भूमियाँ होती हैं उनके लिए सुइटेबल माना जाता है। कौन सा फॉस्फेट, तो होता है रॉक फॉस्फेट, हमेशा याद रखना रॉक फॉस्फेट। ये कैसा है, ये क्षारीय उर्वरक है, ये किसमें यूज किया जाता है, एसिडिक भूमि में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बायनियल वीड, जो बायनियल वीड यानी द्विवर्षीय जो खरपतवार होता है इसमें से कौन सा है, सेनोडॉन डैक्टिलॉन, दुब घास हो गया, दुब घास ये किसका है, ये मोथा जिसे कहते हैं या भादा भी कहा जाता है मोथा। फिर आता है एविना सेटाइवा या एविना फटुआ, ये किसका होता है, तो ये होता है आपका जई का होता है, ये होता है इचोरियम एंटाइबस, यहाँ पे गलत लिखा है, सिचोरियम होता है या इचोरियम नहीं सिचोरियम एंटाइबस, ये होता है आपका कासनी इसका साइंटिफिक नेम है, ये बॉटनिकल नेम किसका है, तो कासनी बरसी में पाया जाने वाला खरपतवार है, याद रखना कासनी इसे बोला जाता है। सिचोरियम एंटाइबस ये बरसी में पाया जाता है, ये जो होता है गेहूँ में पाया जाता है,
रबी, रबी सीजन का खरपतवार है ये मोथा, और ये दूब घास। ठीक है, इस सारे साइंटिफिक नेम है दोस्तों, यहाँ से याद कर लेना। जो होता है ये, इसके कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, जो बरसीम का जो होता है सीड होता है उसको साल्ट का सोल्यूशन बनाया जाता है, उस सोल्यूशन में इसे भिगो दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये इसके जो सिचोरियम एंटाइवस है काशनी के जो सीड होते हैं ये ऊपर तैरने लगते हैं, और बरसीम के जो होता है सीड होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं तली में, जिससे क्या होता है ये इन्हें अलग किया जा सकता है। और बरसीम में इन खरपतवारों को निकालने का ये अच्छा मेथड भी है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। इसका आंसर जो है, आंसर इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, सिचोरियम एंटाइवस। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्प्रे ऑफ एट्राजिन इन लो कंसंट्रेशन एक्ट एज टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव किस प्रकार की वाष्पोत्सर्जन में के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका होता है आंसर नंबर डी इज राइट, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप ये होता है। एट्राजिन जो होता है पूछेगा इसका कंसंट्रेशन किसके रूप में कार्य करता है, यानी एंटी ट्रांसपेरेंट है, पहली बात तो एंटी ट्रांसपेरेंट है, और पूछे कि किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं 43। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ पोटैटो। पोटैटो जो होता है आलू में डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन सा जो होता है केमिकल यूज किया जाता है? तो आता है तो आपका थायो यूरिया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, और यहाँ पे देख लें दोस्तों, एग्लास जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है, तो पोटैटो में यूज किया जाता है, पोटैटो और आपका शुगर केन। शुगर केन में जो होता है इसके जो जैसे शुगर केन है, और इसमें इसके पार्ट को जब काट दिया जाता है, काट के जो होता है बुआई के लिए होता है, गन्ने को काट लिया जाता है कई टुकड़ों में, तो जब टुकड़ों में काट लिया जाता है तो उनके जो होता है कटे हुए भाग पर जो होता है इसके इससे उपचार किया जाता है, उसमें डुबो देते हैं, जिससे कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो नहीं होता है। आलू जब आलू में सीड ट्रीटमेंट कब किया जाता है, एग्लाल से जब जो होते हैं आलू के सीड को जब बोया जाता है, जब उसको मोस्टली जब काट करके आलू का जो होता है सीड होता है उसको जब बहुत बड़ा होता है आलू, तब उसे काट करके बोया जाता है, तब उसके जो होते हैं कटे हुए टुकड़ों को जो होता है इनमें डुबो देते हैं, डुबो कर जो होता है बुआई जब की जाती है, तो इससे क्या होता है फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, एग्लाल इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ फर्टिलाइजर मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री। कौन सा फर्टिलाइजर जो हमारे कंट्री से दूसरे देशों में जो होता है भेजा जाता है, तो उसमें आता है पोटाशिक फर्टिलाइजर, और जो होते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं ये हमारे देश में दूसरे कंट्री से मंगाए जाते हैं, और पोटाशिक फर्टिलाइजर जो होते हैं ये क्या किए जाते हैं दूसरे कंट्रीज को हमारे यहाँ से भेजे जाते हैं। और जो फॉस्फेटिक होता है इसका तो हमारे कंट्री में बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, या कह लो कि होता ही नहीं है, बहुत नाम मात्र का होता है, तो इसके लिए जो होता है दूसरे कंट्रीज जो होते हैं वहाँ से मंगाना पड़ता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट, परसेंट सल्फर इन ऑर्डिनरी सुपर फॉस्फेट, यानी जो साधारण सुपर फॉस्फेट होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट या साधारण सुपर फॉस्फेट, तो इसमें सल्फर कॉन्टेंट कितना पाया जाता है, सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो आता है 12% सल्फर होता है। सल्फर पूछना है दोस्तों ये याद रखना, सिंगल सुपर फॉस्फेट ऐसा ना करना कि SSP दे दिया आपको और पूछ दे कि इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है, और आप समझें कि SSP में जो होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट पाया जाता है, तो फॉस्फेट आप वहाँ इतनी जल्दबाजी में ना क्वेश्चन करें कि आप सल्फर को देखें ही ना, और फॉस्फेट समझ के जो होता है 16% ऑप्शन आपको दिया हो और सिंगल सुपर फॉस्फेट 16 मार्क किया जाए, ऐसा नहीं करना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है इसमें अगर फॉस्फेट की मात्रा पूछें तो फॉस्फेट जो होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो इसमें 16% जो होता है फॉस्फेट पाया जाता है, और सल्फर की मात्रा जब पूछे तो 12% सल्फर पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं दोस्त 46। द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन ऑफ राजमा, राजमा जो है इसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो इसमें आता है 110 से 120 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतनी राजमा तो लेग्यूमिनस क्रॉप है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है, और ये जब लेग्यूमिनेसी क्रॉप होते हुए इसमें 110 से लेकर 120 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है, तो दोस्तों आपको बता दें राजमा एकमात्र ऐसी फसल है, ये जो राजमा है ये एकमात्र ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ठीक है दोस्त,
इसका आंसर जो है डी ऑप्शन इज राइट, 110 से 120 केजी। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। 47 ब्राउन मैन्योरिंग अ रिसेंट अप्रोच ऑफ वीड कंट्रोल विच इज मोस्टली यूज इन क्रॉप। ब्राउन मैन्योरिंग जो है किस क्रॉप में जो है मोस्टली यूज किया जाता है, तो इसके इसमें आता है डायरेक्ट सीडेड राइस होता है। डायरेक्ट सीडेड राइस जो धान की सीधी बुआई जब करते हैं तो उसमें होता है ब्राउन मैन्योरिंग का यूज किया जाता है। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 48 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर जो होता है किसके बराबर होता है, तो 100,000 लीटर। 100,000 लीटर वाटर जो होता है इसके बराबर होता है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर। इसे कह सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है दोस्त, आगे देते हैं। 49 द ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड इनटू सूट इज नोन एज। द ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड इनटू सूट इज नोन एज, यानी कसरत कलिकाएँ जो होती हैं इन पर शाखाओं में बढ़वार जब होती है तो इसे क्या कहलाती है, तो शाखा निकलना या ब्रांचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रांचिंग। 49 का एज राइट, जैसे ये कोई प्लांट है और इसकी ये शाखा गई है तो इसकी जो एक कच्छ होता है यहाँ से कोई दूसरी शाखा ऐसे निकलने लगे, ये ब्रांच गई हैं इनसे ये शाखा निकल पड़ी ऐसे, ये यहाँ पे कोई है शाखा पे जो है इनके बीच में कोई शाखा निकल पड़ी तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है ब्रांचिंग होने लगती है, ब्रांचिंग। और ये क्रिया किस में करी जाती है ब्रांचिंग, ऐसे मोस्टली सरसों क्रॉप जो होती है मस्टर्ड जो क्रॉप होती है उसमें ब्रांचिंग करी जाती है, जिससे क्या होता है कि उसमें जो है अधिक से अधिक प्लांट की ग्रोथ हो और उससे अधिक से अधिक जब फलियाँ आएंगी और जब अधिक फलियाँ आएंगी तो यील्ड जो है या प्रोडक्शन जो होगा उसका हाई होगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 द मैक्सिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ कंपोजिट मेज, जो कि मेज होता है इसके लिए जो है सर्टिफाइड सीड जो है इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी ज़रूरत पड़ती है। मेज में जो सर्टिफाइड सीड होता है इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है, तो इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 200 मीटर। और जो है फाउंडेशन सीड की फाउंडेशन सीड की पूछिए तो 400 मीटर होती है और सर्टिफाइड सीड की 200 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस होती है दोस्तों। ठीक है दोस्त, अगर दोस्तों व्हीट की आइसोलेशन डिस्टेंस पहुँच दे तो उसके लिए चाहे सर्टिफाइड सीड हो या फाउंडेशन सीड हो दोनों की जो है कितनी होती है 3 मीटर। 3 मीटर जो होती है आइसोलेशन डिस्टेंस होती है चाहे सर्टिफाइड सीड हो या फाउंडेशन सीड हो दोनों के लिए 3 मीटर होती है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। जामेज वर्टा इजा बोटेनिकल नेम ऑफ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जो है इसका साइंटिफिक नेम है जियामेज इवर्टा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कौन सा जो है मुख्य जो है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसमें आता है आपका Mg। आंसर इज करेक्ट, क्लोरोफिल जो होता है इसमें जो मैग्नीशियम होता है ये मुख्य तत्व होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गली इरोजन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ, जो गली इरोजन है ये किसकी जो है एडवांस स्टेज है, तो आता है आपका रेल इरोजन। आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए इज राइट, रेल इरोजन। गली इरोजन रेल इरोजन की जो है एडवांस स्टेज होती है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात बता दें, ये क्वेश्चन जो है यूपी कैटेट 2021 में पूछा जा चुका है। यूपी कैटेट 2021 में क्वेश्चन MSC PG जो था पीजी इंट्रेंस एग्जाम जो था उसमें ये आया था गली इरोजन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ, तो क्या होगा आंसर, रेल इरोजन। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। 54 द न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच कंट्रोल मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा मेंटेन्स द टर्गर ऑफ सेल, यानी स्टोमेटा जो होता है इसके मूवमेंट, यानी जो स्टोमेटा जो होते हैं खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इसमें जो ये टर्गर जो होता है क्या मतलब स्फीत इसे कहते हैं, जब ये खुलने स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो स्फीत या टर्गर कहते हैं। तो ये जो होता है किस एलिमेंट के द्वारा जो होता है इसके लिए कौन सा तत्व जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आता है पोटेशियम के। ठीक है, पोटेशियम इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे देखते हैं। शोइंग ऑफ वन और टू रू ब्लैक ग्राम इन बिटवीन टू रो ऑफ मेज, मेज की दो पंक्तियों के बीच में जब उर्द की दो पंक्तियां या जो है ब्लैक ग्राम की दो पंक्तियां उगाई जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंपेनियन क्रॉप कहते हैं या सैचर फसलें। ठीक है दोस्त, सैचर फसलें या कंपेनियन क्रॉप कहते हैं, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट
विच डिजीज पोस्टमार्टम ऑफ द एनिमल इज नॉट परफॉर्म्ड, कौन सा डिजीज है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम जो होता है नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आता है आपका एंथ्रैक्स इज राइट आंसर। एंथ्रैक्स जो होता है इसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। 57 स्ट्रिप कप टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग विच डिजीज, तो कौन सा डिजीज जो है जिसमें इसकी जो होता है जांच के लिए स्ट्रिप कप का यूज किया जाता है, तो आता है आंसर ए मेस्टाइटिस। आंसर ए ऑप्शन नंबर ए मेस्टाइटिस इज करेक्ट। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं द रीजन फॉर येलो कलर ऑफ मिल्क इन कैटल, कैटल में जो होता है गाय जो होती है गाय के दूध का जो होता है पीला रंग जो होता है इसके लिए कौन सा, इसका मतलब कारण पूछ रहा है कि पीले होने का कारण क्या है, तो कैरोटीन होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट करनाल हरियाणा, करनाल कहाँ है, हरियाणा में है, NDRI करनाल हरियाणा। बरेली में है IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जनगर बरेली। पंतनगर में क्या है, पंतनगर में तो जी बी पंत यूनिवर्सिटी है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 विच मेथड इज यूज फॉर इस्टीमेशन ऑफ फैट इन मिल्क, कह रहा है कि कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है किसके लिए इस्टीमेशन ऑफ फैट इन मिल्क, मिल्क में फैट का परीक्षण जो किया जाता है या मिल्क में फैट दूध में फैट का जो होता है पता आप किस मेथड के द्वारा लगाओगे, तो उसके लिए होता है आपका गर्बर मेथड जो होता है यूज किया जाता है। और ये क्या है आपके नुकलिंग स्ट्रिपिंग, ये दोनों जो होते हैं दूध पर से जब दूध दुहा जाता है तो उसके मेथड हैं स्ट्रिपिंग और नुकलिंग, पर से दूध निकालने की ये दो विधियाँ हैं, वैसे तीन विधियाँ होती हैं, यहाँ पे दो दी गई हैं इसमें। और हंसा टेस्ट होता है, ये हंसा टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो हंसा टेस्ट जो होता है यूज किया जाता है गाय और भैंस का दूध होता है इनमें दोनों में मिलावट का पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हंसा टेस्ट का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर फैट जो होता है एस्टिमेशन ऑफ फैट इन मिल्क, तो आता है आपका गर्बर मेथड। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं SNF इन टोंड मिल्क जो होता है इसमें फैट एंड SNF कितनी होती है, तो इसमें फैट कितनी होती है 3% और SNF कितनी होती है तो 8.5% होती है, किसमें टोंड मिल्क में होती है। और अगर ये बात करें डबल टोंड मिल्क की, डबल टोंड मिल्क में होता है 9% SNF, 1.5% क्या होता है ये होता है आपका फैट होता है। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है कि इसमें जो होता है टोंड मिल्क में इतनी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों टोंड मिल्क में फैट और डबल टोंड मिल्क में फैट और SNF की मात्रा याद करना, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आज के बाद आप भूलना ही भूल जाओगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे टी फॉर क्या होगा टोंड हो जाएगा, और टी से क्या हो जाएगा टी से होगा आपका 3 या 3 कह लो, 3 किससे होगा 3 भी लिखोगे तभी टी आएगा, और अगर 3 लिखोगे तभी टी आएगा, तो ऐसे याद रखना है। अब 3% क्या है फैट है, किसमें है टोंड मिल्क में है। ठीक है, अब SNF कैसे याद रखना है, जब 3 हो गया आपका यानी, और यहाँ डबल टोंड लिख लो, ये डबल टोंड हो गया। ठीक, अब जब इसमें आपको पता चल गया कि टोंड में 3 है और डबल टोंड में आपकी 1.5% निकल आई। ठीक दोस्तों, यहाँ पे कैसे याद रखना है आपको, आपको 5% तो पता चल गया, अब SNF कैसे याद रखोगे, तो SNF याद रखना है कि एक में जो होता है क्या होगा आपकी फैट ज़्यादा है, जब फैट ज़्यादा है तो क्या होगा कि SNF जो होगा वो कम होगा, अब वो किस में ज़्यादा होगा वो दूसरी तरफ होगा, वो ज़्यादा किस में होगा तो अब इसमें होगा डबल टोंड मिल्क में, तो डबल टोंड मिल्क जो है इसमें 9% इसकी फैट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, 9%, अब यहाँ कितनी रह जाएगी तो 8.5। तो दोस्तों कैसे याद रखना है, एक आपको पता करना है कि टी से क्या हो गया टोंड हो गया, टी से क्या हो गया 3 हो गया, अब 3% आपको फैट निकल आई टोंड मिल्क में, अब 3% निकल आई, अब डबल टोंड मिल्क में फैट तब पता चल ही जाएगी, जब एक का मालूम हो गया, एक का ऑटोमेटिक, एक का याद रखो केवल दूसरे का याद ही नहीं रखना है हमें, तो एक का याद रख लिया हमने 3 है, दूसरे में 1.5 ऑटोमेटिक, तो 1.5 जब निकल आई, अब 1.5 क्या है इससे टोंड से, इसमें होता है एक बार जो होता है कौन ज़्यादा होगा, अभी बताया कि एक बार जो होता है जो एक बार ज़्यादा है वो दूसरी बार में कम होगा, यानी SNF में वो कम होगा, जब फैट ज़्यादा है जिसमें उसमें SNF कम पाया जाएगा, तो SNF किस में पाया जाएगा जो उसके विपरीत है, यानी टोंड मिल्क में जो होता है 5% 3 है और डबल टोंड मिल्क में 5% 1.5% है, और तो इसमें SNF कंटेंट जो होता है इसमें 9% हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा 8.5% हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे याद रखना है, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, एक बार अपने आप से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं।
62 एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप इंडोनेशिया। शीप में मेटिंग की क्रिया होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टपिंग। टपिंग किस में होता है? टपिंग होता है शीप में, शीप में आपका टपिंग होता है। ये किस में होता है? कपलिंग। कपलिंग होता है आपका पिग में। पिग में क्या होता है? जो पिग सुअर होते हैं इनमें होता है कपलिंग। और सर्विंग किस में होता है? जितने भी फिर बचे हैं, गोट। गोट में क्या होगा? सर्विंग। काऊ। काऊ में क्या होगा? सर्विंग। बफेलो। बफेलो में क्या होगा? इसमें भी सर्विंग होगी। और कपलिंग किस में होगी? पिग जो है पिग में हो जाएगी आपकी कपलिंग, और आपका शीप में क्या हो जाएगी? टपिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आंसर बी इज करेक्ट, टपिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अविकालीन इज ब्रीड ऑफ, अविकालीन किसकी ब्रीड है? शीप की ब्रीड है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अविकालीन इसका अगर क्रॉस पूछ दे कि अविकालीन किसका क्रॉस है, तो आता है आपका रैम्बुलेट इनटू रैम, रैम्बुलेट इनटू मालपुरा। ये किसका? अविकालीन। दोस्तों ये किसका क्रॉस जो है ये राजस्थान प्री पीजी में आ चुका है। अविकालीन किसका क्रॉस है? तो मालपुरा, रैम्बुलेट इनटू मालपुरा। तो दोस्तों इसको याद कर लेना, कोई गलती ना हो। इसके बाद आता है एक दूसरी ब्रीड है अविवस्त्रा। अविवस्त्रा किसकी ब्रीड है? ये भी होता है सी ब्रीड है। किसकी ब्रीड है? ये सी ब्रीड है। और इसका क्रॉस क्या होता है? तो आता है रैम्बुलेट इनटू चोकला। चोकला, रैम्बुलेट इनटू चोकला। ये इसका किसका क्रॉस है? ये अविवस्त्रा किसका क्रॉस है? तो रैम्बुलेट इनटू चोकला का क्रॉस है। ठीक है दोस्तों, दोनों याद रखना, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। इन विच एनिमल मिल्क इंसुलिन इज हाई, इन विच एनिमल्स मिल्क इंसुलिन इज हाई। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है? तो आता है आपका कैमल, यानी ऊँटनी। कैमल जो होता है, ऊँटनी जो होता है, इसके दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद में आता है रुत या मस्त इज प्रेजेंट इन विच स्पेशल एनिमल, किस एनिमल में रुत या मस्त प्रेजेंट होता है? तो आता है कैमल। आपका डी ऑप्शन इज राइट। द एटियोलॉजी ऑफ एचएस डिजीज इन एनिमल जो होता है, एटियोलॉजी ऑफ यानी पशु में गला घोटू बीमारी के कारण, इसका कारण पूछना है। जो एचएस हीमर है जी, सेप्टिसीमिया जो डिजीज है या गला घोटू, इसका जो होता है कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण है वो होता है बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु। 66 का जो होता है ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद आगे देखते हैं। मिल्क फीवर इज ए टाइप ऑफ डिजीज, किस प्रकार का जो होता है मिल्क फीवर डिजीज? तो आता है डी ऑप्शन इज करेक्ट, मेटाबॉलिक डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज। इसके बाद आगे देखते हैं। द एटियोलॉजी ऑफ एफएमडी इन एनिमल, एफएमडी जो होता है फूड एंड माउथ डिजीज, इसका होता है कारण क्या है? तो इसका कारण जो होता है वो होता है वायरस। एफएमडी जो होता है किसके द्वारा होता है? तो फूड एंड माउथ डिजीज जो होता है वायरस के द्वारा होता है। 68 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आता है नेक्स्ट देखते हैं। फिच ब्रीड ऑफ कैटल इज नोन एज ड्रॉट पर्पज, तो ड्रॉट पर्पज के लिए होता है नागौरी जो होता है बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है नागौरी। और ये जो होती है मिल्च ब्रीड होती है, दुग्ध उत्पादन के लिए होती है। ठीक है दोस्त, राठी जो है आपकी ये किसके लिए होती है? तो आती है आपकी डुअल पर्पज है। और गिर किसकी है? तो ये भी मिल्च ब्रीड है। कैसी है? मिल्च ब्रीड होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 70 परमानेंट टीथ फार्मूला ऑफ एडल्ट काउ, एडल्ट काउ जो होती है इसका जो होता है परमानेंट टीथ फार्मूला क्या होता है? तो इसका परमानेंट टीथ फार्मूला होता है ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन विच ब्रीड ऑफ बफेलो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट जो होता है किस बफेलो में प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर आता है आपका डी ऑप्शन इज राइट, बदावरी। सबसे ज़्यादा दूध जो होता है किसमें होता है? तो मुर्रा में। और सबसे ज़्यादा फैट बदावरी में होती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। आउट ऑफ दीज विच इज नॉट ए बफेलो ब्रीड, कौन सी जो होता है बफेलो ब्रीड नहीं है? तो इसमें आता है मुर्रा ये भी है, नीली रावी ये भी है, सुरती ये भी है, राठी आपकी बफेलो ब्रीड नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट बफेलो ब्रीड। तो राठी जो होता है गाय की ब्रीड है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। सिकल शेप जो होता है हॉर्न किस में पाए जाते हैं? तो कह रहा है कि सिकल शेप्ड हॉर्न इज इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो, जो है कौन सी बफेलो ब्रीड जिसका जो है सिकल शेप्ड जो है हॉर्न
इंपॉर्टेंट करेक्टर है, तो इसमें आता है आपका आंसर किसका क्या होगा, श्रुति इज करेक्ट, श्रुति आंसर इसका होगा श्रुति, ए ऑप्शन इज राइट। 73 का क्या है, 73 का ए ऑप्शन इज राइट। हाशियाकर सिंह किसमें आते, किसके किसमें पाए जाते हैं, तो हाशियाकर सिंह हो जाएंगे आपके श्रुति में। ठीक है दोस्त, श्रुति का जन्मस्थान क्या होता है, तो बड़ौदा गुजरात, मेहसाना का उसका भी बड़ौदा गुजरात होता है। आगे देखते हैं, द बिगेस्ट ब्रीड ऑफ इंडियन गोट इज, जो इंडियन गोट होती है इसका बिगेस्ट ब्रीड, सबसे बड़ी ब्रीड होती है कौन सी है, तो आता है आपका आंसर जमुनापारी। जमुनापारी को जो होता है मैजिशियन गोट, मैजिशियन ब्रीड भी बोला जाता है, मैजिशियन गोट ब्रीड जमुनापारी को बोला जाता है। टालेस्ट ब्रीड किसे बोला जाता है, जमुनापारी को बोला जाता है। टालेस्ट ब्रीड ऑफ गोट तो किसे बोलते हैं, जमुनापारी को ही बोलते हैं, और बिगेस्ट भी जमुनापारी को बोलते हैं। ये डुअल पर्पज जमुनापारी ब्रीड होती है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो मखदूम, मथुरा यूपी। मखदूम कहाँ है, ये मथुरा में है, मथुरा यूपी में है, यूपी मथुरा यूपी में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त, 76 पद्मसी कृपाल सिंह शेखावत इज रिलेटेड टू, जो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत जो हैं किससे रिलेटेड हैं, कहते हैं ब्लू पॉटरी से, ब्लू पॉटरी से पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं, तो ब्लू पॉटरी से। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, हु कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन हेल्पिंग प्रिंस अजीत सिंह इन गेटिंग बैक किंगडम ऑफ जोधपुर, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस का योगदान सर्वाधिक रहा, तो इसमें आता है आपका ए ऑप्शन वीर दुर्गादास राठौर। जो वीर दुर्गादास राठौर जी थे, इन्होंने राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य पुनः वापस दिलाने में काफ़ी सहयोग दिया। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, विच विंड कॉज मैग्जिमम रेन इन मानसून सीजन इन राजस्थान, राजस्थान में जो होता है मैग्जिमम रेन जो होता है, किस प्रकार की जो हवाएं होती हैं उनके द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आता है आपका साउथ वेस्टर्न विंड जो होती है, साउथ वेस्टर्न विंड के द्वारा जो होता है सबसे अधिक राजस्थान में वर्षा होती है। 78 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय जसनाथी सेक्ट फॉलोअर्स, जो होते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, तो इसका क्या ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है फायर डांस, अग्नि नृत्य जो होता है किसके द्वारा, जसनाथी सेक्ट यानी जसनाथी जो फॉलोअर्स होते हैं संप्रदाय जसनाथी संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट, बीकानेर, बीकानेर शहर में। फिर आता है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द प्रेजेंट मूवमेंट स्टार्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन राजस्थान, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, जो होता है किस जगह पे सबसे पहले राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो होता है आपका बिजोलियन, जो होता है ऑप्शन सी इज राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हु यूज द राजस्थानी टर्म फॉर द लैंग्वेज ऑफ राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम, राजस्थान जो शब्द था, राजस्थान लैंग्वेज जो थी, राजस्थान लैंग्वेज के लिए सबसे पहले यानी कह रहा है कि पहली बार राजस्थान लैंग्वेज के लिए राजस्थानी शब्द का यूज किसने किया, राजस्थानी शब्द का यूज सबसे पहले किसने राजस्थानी लैंग्वेज का टर्म का यूज किया, तो आता है 82 का सी ऑप्शन इज राइट, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन जी थे, इन्होंने सबसे पहले बताया कि राजस्थान जो था, राजस्थान की जो लैंग्वेज है उसको राजस्थानी नाम दिया, राजस्थान की लैंग्वेज को राजस्थानी नाम किसने दिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वाज द राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश, जो है राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो 83 जो है इसका ऑप्शन बी इज राइट, 1975 राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई। राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब करी गई, तो 1975 में करी गई। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, 84 फिश एंड कंपोस्ट संतगण एंड संतगुण सागर एंड नाममाला, तो यानी संतगुण सागर एंड नाममाला किस संत के द्वारा रचित हैं, तो आता है ऑप्शन सही है इसका दादू के द्वारा रचित हैं। चलिए आगे देखते हैं, 85 मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ रिवर एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो हमें इसमें कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है किस स्थान पर है, तो
हमें मैच करना है इसमें, मिला देखते हैं। लूनी रिवर, लूनी रिवर का है नाग हिल्स, ब्रिज ब्रिज रिवर, गुगुंदा हिल्स, शॉम रिवर, बीछा मेरा हिल्स, माही रिवर, विंध्याचल हिल्स। तो इसमें ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या सही होगा। बी का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला। इसमें बी ऑप्शन सही है दोस्तों, ये ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो ये बी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे देखते हैं। 86 इन विच लैंग्वेज इज एक लिंग महात्म्य रिटेन। तो एक लिंग महात्म्य रिटेन किसके द्वारा, किस भाषा में लिखी गई है? तो एक लिंग महात्म्य रिटेन किस भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है बी ऑप्शन, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 87 बीजा एंड माला आर ब्रांचेज ऑफ विच ट्राइब ऑफ राजस्थान। राजस्थान की किस जनजाति जो हैं, जनजातियाँ जो हैं उनमें किस जनजाति की ये ब्रांचेज हैं, बीजा एंड माला। तो बीजा एंड माला जो होती है शांसी, ये ऑप्शन इज राइट। शांसी जनजाति हैं इनकी जो ब्रांचेज हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग लैक इज फेमस फॉर जग मंदिर एंड जगनिवास। जो जग मंदिर एंड जगनिवास है यहाँ के लिए कौन सी जो थी फेमस लेक है, तो आती है बी ऑप्शन इज करेक्ट, पिचोला लेक। पिचोला लेक है जग मंदिर एंड जगनिवास के लिए फेमस लेक। आगे देखते हैं दोस्त। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट वर्न बाय मेल्स। जो आदमी होते हैं पुरुषों द्वारा कौन सा होता है आभूषण पहनाया जाता है, तो आता है मुर्कियाँ। मुर्कियाँ जो होता है पुरुषों द्वारा पहनाया जाने वाला आभूषण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 90 चुंप जो ऑर्नामेंट, अब चुंप जो होता है, चुंप शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो इसमें होगा ये ऑप्शन करेक्ट है टूथ यानी दांत। दांत में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, चुंप। आगे देखते हैं दोस्त। गमेती इज लीडर ऑफ फिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल पीपुल। जंगली लोग होते हैं उनमें किस, यानी किस जो जंगली जनजातियों के लोग होते हैं, तो किस जंगली जनजाति के नेता को गमेती कहा जाता है, तो होती है भील जनजाति होती है। जो भील जनजाति होती है इसके जो नेता होता है उसे गमेती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 92 कटरगढ़ वाज लिविंग एरिया जोन ऑफ विच ऑफ विच फोर्ट ऑफ राजस्थान। कटरगढ़ है ये किस राजस्थान के किले का निवास स्थान है, तो किस किले का होता है कटरगढ़ होता है, ए ऑप्शन इज राइट। कुंभलगढ़ जो किला है इसका निवास स्थान कौन है, कटरगढ़ इसका निवास स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 93 कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी जो है ये कहाँ है, जोधपुर राजस्थान, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। 94 राजस्थान कबीर यात्रा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, यानी राजस्थान कबीर यात्रा किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आता है इसमें ए ऑप्शन राइट होता है, सिंगिंग से, गायन से रिलेटेड है राजस्थान कबीर यात्रा, गायन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। 95 फाइंड द मिसमैच पेयर एमंग द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा पेयर जो होता है अशुद्ध यानी असंगत युग्म से मिला है या सही नहीं मिला है, वो हमें ढूंढना है। तो इसमें देखते हैं पढ़ के, ये ऑप्शन क्या है, समर फेस्टिवल माउंट आबू बिल्कुल सही, चंद्रभागा फेयर झालावाड़ बिल्कुल सही, एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर ये भी सही है, कैमल फेस्टिवल जैसलमेर, यही ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है इसका, और बाकी सब सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 95 हो गया, इसके बाद 96 क्या है, ये फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ राजस्थान। तो फ्लाइंग स्क्वायरल जो होती है राजस्थान के किस स्थान पर पाई जाती हैं, तो होता है सी ऑप्शन करेक्ट है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सैनेक्टरी जो होता है, सीता माता वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य जो होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, फ्लाइंग स्क्वायरल्स पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 97 लंगुरिया सॉन्ग ऑफ राजस्थानी रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कैला देवी। लंगुरिया सॉन्ग किससे रिलेटेड है, कैला देवी से रिलेटेड है। इसके बाद में आता है बाला किला। बाला किला इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बाला किला कहाँ जो होता है लोकेटेड है, तो आता है अलवर राजस्थान में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, अलवर राजस्थान।
फिर आता है 99। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा फेयर इज ओरिजिनेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जो था चंद्रभागा फेयर, ये कहाँ से मतलब ओरिजिनेटेड है, इसका उत्पत्ति स्थान पूछता है, यानी या इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये पूछ रहा है, तो ये कहाँ होता है, तो इसे आता है तो आपका झालावाड़, बी ऑप्शन करेक्ट है, 99 का बी झालावाड़। आगे देखते हैं, और ये है 100। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च इज सिचुएटेड एट, तो ये कहाँ स्थित है, इसका ए ऑप्शन सही है, शेवर भरतपुर राजस्थान। ये कहाँ, शेवर कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जो है सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च इज सिचुएटेड एट शेवर भरतपुर राजस्थान। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के पेपर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी ये मिल सके और उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जो सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हमारी अगर वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों एक और बात, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एग्री फास्ट ट्रैक विथ एग्री वाला। दोस्तों टेलीग्राम पर जाएं, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके सर्च करिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर रात को शाम को 9:30 बजे 9:30 PM पर हम क्विज कराते हैं, तो उस क्विज को भी अटेंड करिए। और दोस्तों कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम एग्री फास्ट विथ एग्री वाला आप मैसेज कर हमें बता सकते हैं, और आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।